जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। मुझे पता है मैं छुट्टी लिया था 3 दिन का। मैं आपको कल के टेक न्यूज में बताया भी था कि फ्राइडे सैटरडे संडे वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि बिजी हूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। किस लिए बिजी हूं कल का टेक न्यूज देखना पता चल जाएगा। तो अभी मैं बस थोड़ा सा टाइम निकाल के आया हूं, न्यूज देके वापस से चला जाऊंगा एंड मंडे से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोग एडजस्ट कर लोगे एंड जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Realme GT Neo 3 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, वीडियो बना दिया हूं मैं, आई बटन पे दे देता हूं, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलो यार बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। मैं आपको कहा था ना दोस्तों कल एप्पल का लॉन्च इवेंट है मार्च के 8 तारीख को, और मैं ये भी कहा था जो मैं पोस्टर दिखाया हूं वो अनऑफिशियल पोस्टर है, ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल पोस्टर आ गया स्क्रीन पे, आपको मैं दिखा दिया हूं, देख लो। और जितने भी सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा आपका भाई लिस्ट बना दिया है, साइड में दिखा रहा हूँ, देख लो। इतने सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा ही करेगा, और हाँ आईफोन SE 3 को भी लॉन्च करेगा, तो ज्यादा दिन दूर नहीं है यार, परसों की तो बात है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। Realme दोस्तों Realme 9 4G को भी लॉन्च करेगा, सही सुन रहे हो, इतना सारा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपको क्या बताऊं मैं। ये दोस्तों आज NBTC सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, अब देखते हैं भाई कैसे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन मुझे जहां तक पता चला है Realme Narzo 50 से काफी कुछ हद तक मैच करेगा। अभी बात खत्म नहीं होता है, Realme 9 5G स्पीड एडिशन आज दोस्तों Realme इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट हो गया है, पूरे स्पेसिफिकेशंस इसके बाहर आ चुके हैं। 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट देगा, सही सुन रहे हो, इसी वजह से तो स्पीड एडिशन है। 5000mAh का बैटरी होगा, 18W के चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर आपको 48:2:2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 का सेल्फी, डेमिसिटी 810 के साथ आएगा। इतने सारे स्पेसिफिकेशंस पता चले हैं, वैसे तो सब बता दिया आपको मैं। ये भी दोस्तों लॉन्च होगा और ये Realme इंडिया के वेबसाइट पे लिस्ट हो गया है, दैट मीन्स बहुत ही जल्द ये लॉन्च होगा, कुछ इसके बारे में पता चलेगा तो बताऊंगा। वैसे स्मार्टफोन काफी अच्छा है और महंगा भी होगा क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, 5G भी है, 144Hz का रिफ्रेश रेट दे रहा है इसी वजह से। आपको याद है दोस्तों मैं आपको दिसंबर में बताया था कि Infinix InBook X2 सीरीज के नए लैपटॉप्स Infinix लॉन्च कर दिया है, और आपको मैं कुछ दिन पहले ही बताया था ये लैपटॉप्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर भी कर चुके हैं। लेकिन इंडिया के लिए Infinix एक स्पेशल लैपटॉप को लॉन्च करेगा, Infinix InBook X2 Play। ये दोस्तों एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप होगा और ये दोस्तों बहुत सारे इंडियन सर्टिफिकेशन पे भी लिस्ट हो चुका है, BIS को भी क्लियर कर चुका है ये, देखते हैं यार कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। WhatsApp दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में 18 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया, तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहे हो मत करो। अगर आपके मैसेजेस को कोई रिपोर्ट कर रहा है, 2-4 बार भी कर दिया ना, WhatsApp अकाउंट आपका गया, समझ गए ना। मैं आपको दोस्तों बताया था ना कल के टेक न्यूज में, नथिंग अपने स्मार्टफोन को बहुत ही जल्द अनाउंस कर देगा, मार्च में अनाउंस करेगा। अब दोस्तों कुछ कुछ नए अपडेट्स आ चुके हैं। पहली बात, मार्च में वो अपने स्मार्टफोन को प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है, नई नई चीजों को मतलब कि सेलेक्ट कर रहा है कि कैसे कैसे स्पेसिफिकेशन होंगे, प्लान कर रहे हैं सब कुछ, इसलिए बोले थे मार्च बहुत ही अमेजिंग होगा उन लोगों के लिए। अप्रैल में काल पे अनाउंस करेंगे अपने पहले स्मार्टफोन को, एंड मई के आसपास तक उसके बारे में कुछ और चलेगा। अनाउंसमेंट तो अप्रैल में ही होगा और मार्च में स्मार्टफोन बन रहा है, तो ये सारे अपडेट्स आज आए थे तो आपको मैं बता दिया। मतलब कि समझ लो कि फोन एकदम बगल में है, बहुत ही जल्द इंफॉर्मेशन, फोटोज, ये सब बाहर निकलना चालू होगा और सर्टिफिकेशन का भी सफर चालू हो जाएगा, NBTC, फिर BIS और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन पे नथिंग का वाला फोन लिस्ट होगा, ठीक है। Infinix Hot 11 2022 में आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, सही सुन रहे हो। आज ये गूगल प्ले कॉन्सोल लिस्टिंग पे लिस्ट हो गया, देख लो, आपको मैं रेंडर दिखा रहा हूँ, कोई नॉच कोई पंचोल है ही नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, पंचोल ही रहेगा, अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आएगा। और इसके बारे में आपको मैं 2 दिन पहले ही बता दिया था, Unisoc T610 के प्रोसेसर के साथ आएगा, 4GB रैम रहेगा, Android 11 रहेगा, Android 12 मिल सकता है अगर किस्मत अच्छी रही तो, कैमरास 50MP के रहेंगे वगैरह वगैरह। फिलहाल तो अभी यही इंफॉर्मेशन है, कुछ पता चलेंगे तो बताऊंगा। 5000mAh का बैटरी भी होगा। मैं आपको दोस्तों बहुत ही लंबे टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ कि Realme Buds Air 3 आपको मार्च के महीने में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा इंडिया में। आज ऑफिशियली Realme Tech Life इंडिया कन्फर्म कर चुका है, और देख लो यार वहां पर आपको एक स्मार्ट वॉच भी दिखाई दे रहा होगा, ये नया Realme का प्रीमियम स्मार्ट वॉच है, ये भी लॉन्च होगा, तो खुश हो जाओ यार। अगर आपको Realme के प्रीमियम AIoT प्रोडक्ट्स पसंद है, थोड़े दिन वेट कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
मोटोरोला ने दोस्तों आज अपने मोटो G22 को लॉन्च कर दिया है यूरोपियन मार्केट्स में, और जैसा सोचे थे वैसा नहीं निकला। बहुत बड़े बड़े टिप्सर भी गए थे एमोलेड पैनल मिलेगा, लेकिन नहीं, एमोलेड पैनल नहीं है, IPS LCD पैनल है। और स्पेसिफिकेशंस प्राइस की अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 15,000 रुपए का स्मार्टफोन है और स्पेसिफिकेशंस भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। इंडिया में आएगा तो एटलीस्ट इसको 10,000 रुपए तक रहना पड़ेगा। अदरवाइज अपने पास और भी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो है, माइक्रोमैक्स का In1 है, मोटो E14 है मोटोरोला का खुद का, थोड़ा सा पैसा और लगा के माइक्रोमैक्स InNote 2 ले लेंगे, रियलमी 9i नहीं लेंगे यार, उसके जगह जाके रेडमी नोट 11 ले लेंगे। सैमसंग के दोस्तों जो प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है ना, जो नए वाले हैं, चाहे S22 सीरीज को देख लो, चाहे S21 सीरीज को देख लो, चाहे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को देख लो, चाहे A सीरीज को देख लो, जो भी महंगे स्मार्टफोन्स हैं, उनके अंदर आपको एक सिस्टम ऐप देखने को मिलेगा। आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, बस वो इंस्टॉल होकर आएगा आपके सैमसंग के फोन के साथ। उसका नाम होगा सैमसंग GOS, ये दोस्तों उस ऐप का नाम है। ये क्या करता है पता है? ये दोस्तों आपकी गेमिंग के परफॉर्मेंस को और भी डिक्रीज कर देता है। क्यों करता है? बाकी सारे ऐप्स अच्छे से चल सके। देखो यार, अभी के मार्केट में आप किसी भी स्मार्टफोन को खरीदोगे तो आपको एक गेमिंग मोड देखने को मिलता है जो आपके गेम के परफॉर्मेंस को और भी इनहांस करता है, लेकिन सैमसंग उल्टा करता है। सैमसंग बोला कि हम गेमिंग पे इतना फोकस नहीं करते हैं, हम बाकी सारे ऐप्स को अच्छा चलवाएंगे, गेमिंग के परफॉर्मेंस को डाउन कर देंगे। तो ये जो ऐप है ना, सिस्टम ऐप, ये वही काम करता है। बहुत सारे आज टिप्सटर्स लोग इसके ऊपर बात किए थे, सोचा कि आपको बता दूं मैं। सोचो कितनी गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होना चाहिए, इनफैक्ट आपको एक गेमिंग मोड भी देना चाहिए जो गेम के परफॉर्मेंस को और भी इनहांस करे सैमसंग के स्मार्टफोन में। सैमसंग आपको ये करना चाहिए, ना कि डिक्रीज करे, ठीक है। Redmi Watch 2, Redmi Watch 2 Lite, ये दोनों स्मार्ट वॉचेस लॉन्च हो जाएंगे मार्च के 9 तारीख को। फिलहाल तो अभी Redmi Watch 2 Lite ही कंफर्म हुआ है, Redmi Watch 2 भी कंफर्म हो जाएगा। दोनों के प्राइसेस बाहर आ गए हैं। Redmi Watch 2 इंडिया में 5,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, 4,999, समझ लो वही प्राइस है, और Redmi Watch 2 Lite 3,500 रुपए। आपको प्राइसेस कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना मुझे। Vivo X80 Pro में मैं आपको वैसे कई बार बता चुका हूँ, तीनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस दर्जनों बार आपको बता चुका हूँ मैं, डेमेंसिटी 9000 के साथ आएगा। वैसे यहाँ पर आपको सारे स्पेसिफिकेशन चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, प्राइसेस भी बता चुका हूँ आपको कई बार मैं। पोको का पोको F4 Pro आज IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो गया, मतलब कि ये स्मार्टफोन भी बहुत ही जल्द आएगा। पोको F4 के स्पेसिफिकेशंस आपको कल या परसों के टेक्निक्स में बताया था, आप देखते हैं पोको F4 Pro कैसा होता है। पोको F4 GT के बारे में जानना चाहते हो, अनबॉक्सिंग दिखाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो, सब पता चल जाएगा। चलो, Realme 10 Pro Plus, इसका अपडेट आप पक्का सुने होगे, नहीं सुने हो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर अपडेट दिए हैं कि Realme 10 Pro Plus में आपको MediaTek Dimensity 8100 मिलेगा, 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर होगा, 120 हर्ट्ज का आपको AMOLED पैनल देखने को मिल जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फेक है, नकली है। जो भी ये इन्फॉर्मेशन फैलाया है वो ऐसे ही हवा में बात किया है, ये असली इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका फर्ज है बताना, वो बताए, लेकिन मेरा फर्ज है सही गलत को बताना कि भैया सही है कि गलत है। तो मैं आपको बता दिया वो गलत इन्फॉर्मेशन है। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। अभी Realme 10 सीरीज को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं उड़ रहे हैं कि भैया क्या मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग MediaTek Dimensity 8100 का बात कर रहे हैं, जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और वो बहुत महंगा भी है, स्नैपड्रैगन 888 के बराबर का परफॉर्मेंस देता है। तो Realme 10 Pro Plus में मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, मिल भी सकता है, कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं निकला है, समझ गए ना कि भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बताएगा, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे यार अगला अपडेट कोई क्या, Pixel 7 Pro के ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो, ये है ऑफिशियल लुक। वैसे तो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, कल के टेक्निक्स में 3D रेंडर्स दिखा दिया था, वैसे फिर भी सोचा कि आपको दिखा दो कि भैया ऑफिशियली कैसा दिखाई देगा। ओप्पो दोस्तों अपने ColorOS 12 के अपडेट्स के नए रोल आउट मैप्स को बाहर निकाल दिया, देख लो, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको बहुत ही जल्द ColorOS 12 का अपडेट मिलेगा अगर आपका स्मार्टफोन इन लिस्ट में है तो। मुझे पता है इसमें बहुत सारे देश हैं, लेकिन अपना इंडिया भी है, इंडिया में भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ट्विटर के तरफ से दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ट्विटर दोस्तों डेडिकेटेड पॉडकास्ट टैब के ऊपर काम कर रहा है, मतलब कि ट्विटर ऐप में आपको डेडिकेटेड एक टैब देखने को मिलेगा जो एक पॉडकास्ट टैब होगा, बंदे पॉडकास्ट अपने रिलीज कर पाएंगे वहां पर, बातचीत कर पाएंगे, और भी बहुत सारा अमेजिंग वहां पर चीज होगा जो काफी अच्छी बात है। ट्विटर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वैसे अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किए हो तो कर लो, @realsufyanxan, एकदम एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर सबसे पहले देखने को मिलेंगे, टेक न्यूज से भी पहले।
तो भैया चलिए बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। Realme V25 आज लॉन्च हो चुका है चाइना में। ये वही स्मार्टफोन है Realme 9 Pro Plus को चाइना में Realme V25 के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। प्राइस है 23,900 रुपए समथिंग। सारे स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, देख लेना। बस यार यही है कहानी Realme V25 का, और ये इंडिया में वापस से आएगा। OnePlus इसको रीब्रांड कर देगा OnePlus Nord CE2 Lite के नाम से। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को थोड़ा से लाइक कर दो। एम करते हैं 100 लाइक का, कर दो यार जल्दी से। चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को ही दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।